चाल है सबके। सो गाइस, आज हम लोग एक प्रोडक्ट का रिव्यू करने वाले हैं गाइस, वो है मसल असैलम का BCAA। सो गाइस, इसके बारे में आज हम लोग थोड़ी बहुत बात करेंगे, इसकी मिक्सिबिलिटी चेक करेंगे, और गाइस सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसको मैं 10 से 12 दिन यूज करूंगा। अगर इसका रिजल्ट अच्छा होगा तो मैं आपको जरूर सजेस्ट करूंगा, अगर इसका रिजल्ट अच्छा नहीं रहा तो हम किसी को सजेस्ट नहीं करेंगे। अगर आपको इसकी बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि जो भाई इसको यूज करना चाहते हैं उनके लिए हम इंस्टाग्राम के ऊपर बात कर लेंगे, उनको इन्फॉर्मेशन दे देंगे कि ये प्रोडक्ट कैसा रहा मेरी जर्नी के अंदर, क्या इसको मुझे कुछ फायदा हुआ, या फिर अगर मैं को टाइम मिला तो मैं एक अलग से इसकी वीडियो बना लेंगे, वो बना के आपको दे दूंगा। सो गाइस, सबसे पहले बीसीए के बारे में बात कर लेते हैं। जो है बीसीए होता क्या है, BCAA क्या होता है, ब्रांच चेन अमीनो एसिड। वैसे तो बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता ही है, मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो नए व्यूवर्स है उनके लिए थोड़ा सा इजी कर देता हूं, क्योंकि पता होना जरूरी है। जिनको पता है तो बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता तो जरूर सुन लीजिए। तो गाइस, ब्रांच चेन अमीनो एसिड जो होते हैं गाइस दो टाइप में होते हैं, जिस एक को बोलते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड, दूसरा होता है नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। और ये एसेंशियल नॉन एसेंशियल जो होते हैं गाइस, जो नॉन एसेंशियल के बारे में बात करूं तो ये हमारी बॉडी खुद ब खुद प्रोड्यूस करती है, हमारी खुद बॉडी बना लेती है, लेकिन जो एसेंशियल्स होते हैं, एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं, वो हमें किसी डाइट के थ्रू या फिर किसी ऐसे सप्लीमेंट के थ्रू ही लिए जाते हैं गाइस। अमीनो एसिड जो होते हैं गाइस वो बहुत ही जरूरी होते हैं, अगर आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, आप एथलीट है, आप एक्टिव है, जब आप रनिंग वगैरह करते हैं तो ये सब चीजें बहुत ही जरूरी होती है। बट ये ऐसा कहीं पे लिखा नहीं है कि ये किसी सप्लीमेंट के ही थ्रू आने चाहिए, अगर आपकी डाइट अच्छी है ना तो आपको किसी सप्लीमेंट की भी जरूरत नहीं पड़ती, आपको किसी बीसीए की जरूरत नहीं पड़ती, डाइट के थ्रू ही आपको बीसीए जो एसेंशियल है आपके मिल जाते हैं। लेकिन ये जो सप्लीमेंट्स होते हैं ये इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि जो बहुत सारे भाइयों की डाइट अच्छी नहीं होती, वो अपना जो एसेंशियल या डाइट है वो प्रॉपर तरीके से पूरे नहीं कर पाते, वहां पे ऐसे सप्लीमेंट्स बनाए जाते हैं, ऐसे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं ताकि जो अपनी जरूरत नीड को पूरा कर सके। तो इस प्रोडक्ट की जो इन्फॉर्मेशन है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो गाइस देखिए, अमीनोस होते हैं गाइस वो तीन टाइप में होते हैं, तीन टाइप को बना के अमीनो ब्रांच चेन अमीनो एसिड बनाया जाता है। मतलब जो ब्रांच चेन अमीनो एसिड होता है उसके अंदर तीन तरह के अमीनो को मिलाकर बनाया जाता है, जैसे लूसी, आइसोलूसी और वैलिन। सो गाइस, इस तीन अमीनो एसिड को ही ज्यादा यूज करके मतलब जो कंप्लीट प्रोटीन मैं बोलू बनाया जाता है, या फिर ऐसा कोई सप्लीमेंट बनाया, सबसे ज्यादा ये तीनों चीजें ही नोटिस करने वाली होती है। और गाइस ये जो इनका जो रेशो होता है वो 2:1:1 होता है। तो गाइस देखिए, अगर इस प्रोडक्ट के बारे में बात करूं या एसेंशियल अमीनो के एसिड के बारे में बात करूं कि ये क्या क्या जरूरी होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि मसल ग्रोथ के लिए, के मसल ब्रेकडाउन होते हैं उनकी रिपेयर के लिए, आप वर्कआउट से पहले वर्कआउट के बाद आप ऐड कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा वर्कआउट के टाइम वर्कआउट से पहले कुछ लेने की जरूरत होती है, जहां पे आप ऐसा बीसीए के जब वर्कआउट के बाद आप इसको ऐड कर सकते हैं। उससे क्या होता है कि आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी आपके वर्कआउट के दौरान, जब आप यूज करेंगे इसको उसके अंदर आपको समझ में आएगी। सो गाइस, इस प्रोडक्ट के बारे में पहले हम लोग बात कर लेते हैं। सो गाइस देखिए, ये जो है मसल असैलम का बीसीए रिकवरिंग फोक्स एंड एनर्जी ब्लू रेस, ये जो फ्लेवर है टोटल, इसके अंदर जो सर्विंग टोटल है 50 सर्विंग है और वन स्कूप का साइज जो है 6 ग्राम है, और जिसके अंदर एनर्जी है 3.1 कार्बोहाइड्रेट, 0 बोलूंगा मैं यहाँ पे, एड शुगर 0 है, सब कुछ 0 रहता है, जैसे बीसीए मैट्रिक्स जो है 3000 mg है, और गाइस जो लूसी आइसोलूसी वैलिन ये तीनों चीजें जैसे मैंने जैसे आपको बताई, यही तीनों चीजें कंप्लीट प्रोटीन बनाती है। ये जो है यहाँ पे इसके अंदर जो क्वांटिटी दी गई है, तो लूसीन की 1.5 है, आइसोलूसीन जो है गाइस वो है 7.50 mg, और जो वैलिन है गाइस वो है 750 mg। तो गाइस ब्रेन बूस्ट 2250 mg। सो गाइस ये जो इन्फॉर्मेशन वो मैं आपको डिस्प्ले पे ऊपर दिखा दूंगा, ये आप जरूर पढ़ लिया करे हो पढ़ लिया कर किसी भी बीसीए के अंदर आप यूज करते हैं तो वहां पे ये इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलती है। और टोटल में अगर इसकी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से चलूं तो ये मुझे एक अच्छी चीज लगी है कि अभी तक इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो काफी अच्छी है। एक जो अच्छे एक बीसीए के अंदर होनी चाहिए वो चीजें इसके अंदर अगर है तो मेरे को लग रहा है ये बेस्ट हो सकता है। फिलहाल तो हम यूज करेंगे, उसके बाद ही बताऊंगा कि मैं कैसा रहा ये। तो ये इन्फॉर्मेशन अच्छी है इसकी, जो इंग्रेडिएंट्स जो भी है इसके अंदर, इंग्रेडिएंट्स ज्यादा कुछ जैसे है नहीं, लूसी आइसोलूसिन वगैरह यूज होती है, और बाकी ये जो है जो इसके अंदर इसका जो टेस्ट है वो करना जरूरी बनता है, क्योंकि इसके अंदर जो है आर्टिफिशियल कलर ऐड किया गया है। तो पहले मुझे इसकी स्वीटनेस चेक करना है कि कैसा है, क्योंकि ये टेस्ट मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैसे बहुत सारे लोग
बीसी के अंदर टेस्ट में ज्यादा यूज करता हूँ, क्योंकि बाकी के अंदर चाहे क्रिएटिन की बात करूँ या प्रोटीन की बात करूँ तो उसके अंदर अगर टेस्ट नहीं भी रहेगा तो चलता है, लेकिन इस चीज के अंदर टेस्ट होना बहुत जरूरी, क्योंकि वर्कआउट से पहले अगर लोग यूज मैक्सिमम यूज करते हैं तो वहां पे टेस्ट अच्छा होगा, तो आपको पीने में भी अब वर्कआउट के करते करते दौरान भी आप इसको यूज कर सकते हैं। फाइनली हमने इसका टेस्ट कर लिया है, तो यो इसकी मिक्सिबिलिटी काफी अच्छी है, कहीं पे कुछ लम्स वगैरह देखने को मिले उसका कलर देखिए कितना अच्छा लग रहा है मुझे, थोड़ा थोड़ा ऐसा लग रहा है यार। चल छोड़ो मैं अभी कलर के बारे में बात नहीं कर रहा, कलर मतलब अच्छा है, अभी टेस्ट करना बनता है पहले तो। तो गाइस टेस्ट के बारे में मैं यही बोलूंगा कि थोड़ा थोड़ा ऐसा क्या बोलते हैं पंजाबी में खट्टा खट्टा क्या बोलते हैं यार ऐसा, तो मतलब जो इसका जो टेस्ट है ना मेरे को काफी अच्छा लग रहा है, पीने में बहुत ही अच्छा लगा मुझे, तो टेस्ट के मामले में मैं किसी को नहीं बोलूंगा कि यार टेस्ट में कुछ गड़बड़ लगी मुझे, टेस्ट बहुत ही अच्छा है, थोड़ी सी स्वीटनेस भी थोड़ी सी ज्यादा आ रही है बट थोड़ी सी कम होनी चाहिए थी, बट टेस्ट के मामले में काफी अच्छा है, थोड़ा सा बचा वो भी पी लेता हूँ। तो गाइज ये था इसकी मिक्सिबिलिटी, कोई डाउट नहीं है, टेस्ट भी अच्छा है, इंफॉर्मेशन भी बहुत अच्छी है इस प्रोडक्ट के बारे में। बाकी अगर इसकी मैं फुल डिटेल के बारे में बात करूं कि इसका जो कंप्लीट अगर मैं बोलूं इंफॉर्मेशन मतलब जहां पे रिव्यू के बारे में बात और रिजल्ट के बारे में बात करूं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए, वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि ये जो प्रोडक्ट था ये कैसा रहा, क्या आपको इसको बाय करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंफॉर्मेशन बहुत अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यूज करने के ऊपर ही डिपेंड करता है कि वो प्रोडक्ट कैसा रहा है। बाकी अगर कुछ रहा तो आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे मैसेज कर लेना, और गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो फटाक से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और शेयर कर देना।